मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि SJVN के साथ हुए करार में पूर्व बीजेपी सरकार ने लोहरी सुन्नी विद्युत परियोजना में हिमाचल के हितों को ताक पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार की इन परियोजनाओं में GST नहीं लेंगे, जीवन भर ये परियोजना SJJPNL के पास ही रहेगी। यही नहीं, जो 12% रॉयल्टी है वो भी 12 से 14 साल के बाद ही ले लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने हिमाचल के हितों की अनदेखी की। ये जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SJVNL के साथ जो समझौता किया, उस समझौते के तहत हिमाचल के जो इंटरेस्ट थे उनकी अनदेखी की गई है। पावर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लूरी, सुन्नी, धोलासीद और इन पावर प्रोजेक्ट के MOU का आंकलन किया। आंकलन में क्या पाया, पिछली सरकार ने किस आधार पर MOU किया? पिछली सरकार ने इस आधार पर MOU किया कि हम GST भी नहीं लेंगे, जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे और जीवन भर प्रोजेक्ट SJVNL के पास ये 4 चले जाएंगे। रामपुर इलाके में लगी इन परियोजनाओं से स्थानीय लोग भी खफा हैं। पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में आए लोहरी और सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रभावित लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने CM से मुलाकात की। इस मुलाकात में परियोजना निर्माण से होने वाले नुकसान के साथ SJVNL के द्वारा लाडा के तहत स्थानीय लोगों की मदद और जमीन के मुआवजे को लेकर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने जनता के इस प्रतिनिधिमंडल को जायज मांगों की मदद का भरोसा भी दिया है। मैं कहना चाहता हूं, पिछली सरकार देखिए, बड़े बड़े होटल वालों को भी मुफ्त कनेक्शन मिलता था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 60% होटल आ चुके हैं, चाहे वो कसौली की बात है, चाहे शिमला के बाहर पंचायत एरिया के बाहर की बात है, चाहे कुल्लू मनाली की बात है। ये सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उनसे पानी का बिल भी नहीं लेती थी। हमारी सरकार ने कहा चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चाहे ताज है, चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर है, उनके हिसाब से प्रति किलोलीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में CM ने कहा कि हमने गरीब और कुछ कमजोर तबके के श्रेणियों के लिए पानी को मुफ्त देने की योजना बरकरार भी रखी है। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।